सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी के लोग अयोध्या को लूट रहे हैं, जहां लूट होती है वहां विकास नहीं होता। जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर लूट हो रही है तो और जिलों में क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन सस्ते दाम में ले ली। जमीन जब बीजेपी के नेता अधिकारी तक पहुंच गई तब सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। अयोध्या केवल एक जिला है, इसी तरह बीजेपी पूरे प्रदेश के जिलों में लूट मार चला रही है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। सपा की सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। महर्षि योगी ट्रस्ट में भी कुछ अधिकारी घुस गए हैं, अयोध्या में लूट मार खूब हो रहा। यूपी में कई सारे झूठे इनकाउंटर हुए, बीजेपी ने यूपी को फर्जी इनकाउंटर प्रदेश बना दिया। अगर दिमाग होता तो चप्पल में इनकाउंटर नहीं करते। बीजेपी केवल बदनाम करने के लिए ही कौन है, एक जाति विशेष का एनकाउंटर करने के लिए रात भर बैठकर अधिकारी रणनीति बनाते हैं। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय सपा बसपा के लीडर आजमगढ़ मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने वाला है। जमीन होती थी उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनका छीन लें। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है, इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए, जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ये अपने लोगों को और माला माल बना दें। क्योंकि भोली वाली जनता को ये नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं इनको कहना चाहते हैं, समाजवादी आपके साथ हैं, और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी, और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवर ब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए हैं, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर, कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर